मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 गुफाओं की कला के प्रश्न और उत्तर कंप्लीट किए। अब आज हम भाषा तथा व्याकरण का पोर्शन करते हैं। तो आप रेडी हो जाइए, अपनी बुक निकालिए और चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 36 निकालिए। देखिए, भाषा तथा व्याकरण, इसमें क्या दिया है, नीचे लिखे शब्दों में से गलत पर्याय चुनकर गलत लगाइए। यानी एक शब्द दिया है, उसके चार पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इसमें से जो गलत पर्यायवाची है उसमें आपको गलत का टिक लगाना है। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर का है स्त्री। अब स्त्री को महिला भी कहा जाता है, वनिता भी कहते हैं और कामिनी भी कहते हैं, और दामिनी, अब इसमें लिखा है दामिनी, तो दामिनी किसको कहते हैं, बिजली को, तो इसलिए ये गलत है, तो इस पे आप गलत का निशान लगा लीजिए। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर लिखा है आपदा। आपदा तो इसमें चार पर्यायवाची क्या दिए हैं, देखते हैं, मुसीबत, आफत, संकट और पीड़ा। तो देखिए, आपदा का पर्याय मुसीबत भी है, आफत भी है और संकट भी है, किंतु पीड़ा नहीं है। पीड़ा का मतलब होता है दुख या दर्द, तो ये पीड़ा पे आप गलत का टिक लगा लीजिए। ठीक है, आप टर्न कीजिए पेज। हमें इसमें गणेश, तो गणेश लिखा है गण, विनायक और लंबोदर एकदंत। तो गणेश जी का नाम विनायक भी है, लंबोदर भी है, एकदंत भी है, किंतु गण नहीं है, तो गण में आप गलत का निशान लगा लीजिए। अब अगला देखते हैं गुफा। अब गुफा तो गुहा, कंदरा, गुफा और खोह। तो गुफा है तो इसमें गुफा का को गुहा भी कहते हैं, कंदरा भी कहते हैं, किंतु ये एक और गुफा दिया है, तो इसमें आप गलत का टिक लगा दीजिए और खो दीजिए। अब सफ़ेद, सफ़ेद को श्वेत भी है इसका पर्यायवाची, धवल भी है, शुभ्र भी है, किंतु चांदनी नहीं है, इसलिए चांदनी पर गलत का निशान लगाइए। अब युद्ध, युद्ध को संग्राम भी कहते हैं और रण भी कहते हैं, समर भी कहते हैं, किंतु हथियार नहीं कहते, तो इस पे आप गलत का निशान लगाइए। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो सेकंड दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए विलोम शब्द चुनकर लिखिए। विलोम याने होता है उल्टा, जैसे कि रात का दिन। अब देखते हैं, हम लिखा है पवित्र, आपको इसके विलोम शब्द ऊपर दिए हुए हैं, इसी में से हमको छांट कर यहाँ पर लिखना है। तो आपको दिया गया है फर्स्ट पवित्र। अब पवित्र का विलोम क्या है, अपवित्र। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आपको दिया है अपवित्र, तो फर्स्ट में आप यहाँ लिख लीजिए अपवित्र। ठीक है, अब आपको दिया है यहाँ पर प्रगति। ठीक है, तो प्रगति यानी होता है बढ़ना कोई भी चीज़ की, है ना, तो इसका
विलोम क्या होगा, ह्रास यानी कम होना। तो इसमें आप ये फर्स्ट नंबर पे आपको दिया है ह्रास, ये आप लिख लीजिए यहाँ। अब देखिए इसमें लिखा है थर्ड नंबर पर निर्माण, तो आपका यहाँ पे लिखा है निर्माण, तो यानी कोई भी चीज़ का निर्माण करना या बनाना, और ये लिखा है आप इसमें विनाश, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विनाश यानी मिटाना। अब सूर्योदय, तो सूर्योदय का तो सबको मालूम है आपको, सूर्योदय यानी सूर्य निकलना, और सूर्य अस्त, तो ये सूर्यास्त लिख दो यहाँ, सूर्यास्त उसका उल्टा, ये दिया है आपके इसमें, ठीक है सूर्यास्त। अब अगला लिखा अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का आपकी बुक में अभूतपूर्व ही दिया है, तो आप लिख लीजिए यहाँ अभूतपूर्व। अब अगला देखते हैं, लिखा है धूमिल, धूमिल का पर्यायवाची होगा साफ, ए सॉरी पर्यायवाची नहीं विलोम, धूमिल मतलब धुंधला और साफ मतलब उजला, तो यहाँ लिखिए आप साफ। अब प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का उल्टा होगा परोक्ष, यहाँ लिखिए परोक्ष। अब लिखा है उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, तो ये लिखा है आपकी बुक में लास्ट में, ये लिखिए अपकर्ष। अब अगला देखते हैं उच्चतम, उच्चतम का उल्टा होगा निम्नतम, ये लिखा है निम्नतम थर्ड नंबर पर, ये फिल करिए यहाँ निम्नतम। अगला लिखा है प्राकृतिक, प्राकृतिक का विलोम होगा अप्राकृतिक, तो यहाँ आप लिखिए अप्राकृतिक, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।